Savitri Book 11, the Book of Eternal Day, the Book of Everlasting Day, the Eternal Day, the Soul's Choice and the Supreme Consummation. इसके पहले कि हम लोग इसमें प्रवेश करें थोड़ा सा एक background. हिंदी और इंग्लिश which is better? हिंदी better. Both I can mix and match both. हिंदी में better है. पेज मैं बता देता हूँ 671. भगवान का दर्शन करना एक भक्त के लिए या किसी भी सीकर के लिए एक लोगों ने बहुत तपस्या की है इस दर्शन के लिए और बहुत बहुत तपस्या करके भी ये दर्शन दुर्लभ है. भगवान के किसी अंश किसी एस्पेक्ट किसी उसका दर्शन तो फिर भी शायद हो जाए लेकिन भगवान का दर्शन साक्षात वो बहुत दुर्लभ है. कहा जाता है कि बहुत ऋषियों ने मुनियों ने अनेकों अनेकों वर्षों कठिन घोर तपस्या करके भी अधिक से अधिक मनुष्य प्राप्त करता है या योगी प्राप्त करते हैं उस अवस्था को जिसमें वो एक निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल और उसी को वो सर्वोच्च समझ लेते हैं. किंतु श्री अरविंद बताते हैं कि व्यक्तित्व के परे और निर्वैयक्तिक अवस्था के परे एक डिवाइन पर्सनालिटी है दिव्य व्यक्तित्व है डिवाइन बीइंग है और ये दर्शन दुर्लभ है. ना जाने कितने जन्मों की तपस्या और कृपा के प्रसाद से प्राप्त होता है. श्री अरविंद सावित्री के द्वारा ये सावित्री में अनेकों अद्भुत रत्न हैं किंतु सावित्री के द्वारा वो हम लोगों के लिए सुलभ और सहज बना देते हैं. एक बहुत ही अद्भुत बात है सावित्री में कि वो दर्शन ये आवाज़ सुनाई दे रही है ना वो दर्शन जो इतना कठिन है दुर्लभ है वो सावित्री के माध्यम से हम लोगों की इतना निकट ले आते हैं. पहली बार इस दर्शन का जो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा वो गीता में पढ़ते हैं चैप्टर 11 में. उसके पहले भी अन्य ग्रंथों में संकेत है किंतु ये भगवान कैसे दिखते हैं तो उसका एक पहला हम लोगों को गीता के माध्यम से श्री कृष्ण देते हैं. किंतु जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि गीता एक विशेष कंटेक्स्ट में लिखी हुई अद्भुत भगवान की देन है गिफ्ट है मनुष्य के लिए और उसी सत्य को अब डिटेल में जब मनुष्य प्रगति कर लेगा शायद वो युद्ध के ऊपर चला जाएगा युद्ध की आवश्यकता के अपने अंदर से ही युद्ध करेगा तो उस कंटेक्स्ट में एक नए गीता का एक एनलार्ज्ड एडिशन श्री अरविंद हम लोगों को एसेज ऑन द गीता में देते हैं और फिर उसके आगे क्या है उसका दर्शन हम सावित्री में करते हैं जो चीज़ के लिए मनुष्य को संकेत दिया गया है लेकिन स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है. अब हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो दो प्रकार की पुस्तकें एक जिनमें चित्र होता है जैसे हम सिनेमा देखते हैं तो चित्र होते हैं राम कौन है कृष्ण कौन है और लोग एक्टिंग करते हैं और बहुत बार वो छवि मन में अंकित हो जाती है. जिन लोगों ने महाभारत देखी थी वो जब कृष्ण का ध्यान करते थे तो उनको नीतीश भारद्वाज याद आता था या रामायण देखी थी तो वो अरुण गोविल या देवों के देव महादेव तो क्योंकि वो इमेज पैसिव रूप से हमारे मन के ऊपर डाल दी गई है और चूंकि हम इतना अधिक श्रद्धा के कारण उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि उसको हटाना कठिन होता है. और कोई बात नहीं भगवान जानते हैं कि हम किसको ढूंढ रहे हैं. एक दूसरा माध्यम था जो पुराने ऋषि अपनाते थे कि वो इमेज नहीं बनाते थे वो लिखते थे और लिख करके हमारा मन इमेज जनरेट करता था. ये एक दूसरा माध्यम है.
पर्सनली मुझे ये लगता है कि जब इमेज आपके सामने नहीं होती है और आपका माइंड जनरेट करता है, उसका अपना एक लाभ होता है। बचपन में मैंने जब पढ़ी थी महाभारत, तो श्री कृष्ण की एक इमेज मेरे मन के अंदर आई थी, और वो इमेज इतनी पावरफुल थी कि वो कोई भी टेलीविज़न सीरियल नहीं सूट करता था उस इमेज को। तो उसमें आपके अंदर संभावनाएँ होती हैं आपके ही अंदर से एक इमेज क्रिएट करने की। वो इमेज अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ी एक इम्पर्सनल पर्सनालिटी की इमेज होती है, उसमें वो बाहरी डिटेल्स नहीं होते हैं, किंतु एक प्रकार की वो आपका अपना व्यक्तिगत संबंध है भगवान के साथ, उनकी छवि, उनका रूप जैसा आपके मन में उद्भासित होता है। लेकिन इसके भी आगे एक प्रयास ऋषि करते हैं और उसको श्री अरविंद कहते हैं कि ही क्रिएट्स। अब वो क्रिएट्स कैसे करते हैं कि जो हमारी सेंसेस देख नहीं सकती, जान नहीं सकती, कोई इमेज जो हमारा मन उसको प्रकट नहीं कर सकता, उसको उन्होंने देखा है और वो शब्द के माध्यम से उस रूप को, उस छवि को हमारे सामने ले आते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत बात है और इसके लिए निश्चित रूप से मंत्रविद वाणी होनी चाहिए, और ये काम श्री अरविंद सावित्री के माध्यम से करते हैं। अगर हम बाकी सब कुछ भूल जाएं, सावित्री का मेटाफिजिक्स, उसमें क्या सत्य उन्होंने लाए दिया है, आगे क्या होने वाला है, आगत काल के बारे में बताया है, सब कुछ अगर एक क्षण को हम किनारे रख दें, केवल सावित्री में जहाँ जहाँ दिव्य दर्शन है, तो वही अपने आप में अद्भुत है। जैसे एक जगह हम देखते हैं, जब एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर, जब अश्वपति को माँ जगत जननी का दर्शन होता है, या उसके भी पहले वर्ल्ड सोल में एक हल्का सा एक पेज के करीब पैसेज है लास्ट में, जहाँ पर वो जगन माता का दर्शन करते हैं। वो अद्भुत है कि वो प्रकट होती हैं वो थ्रेशोल्ड पर, और एक हाथ ऊपर उठाती हैं और इटर्नल वेल को लिफ्ट करती हैं। उनके एक एक कदम एक नए युग का प्रारंभ करते हैं। अब इस चीज़ को हम किस इमेज में दिखा सकते हैं? क्या कोई ऐसी इमेज हो सकती है इवन टेलीविज़न में या कहीं पर भी, कि एक एक चरण उनका एक एक युग है? अब ये टाइम और स्पेस को आपने एक इमेज में कंप्रेस कर दिया, ये वाणी की अद्भुत बात है। तो उसी प्रकार से इस कैंटो में, इस बुक में, बुक 11 में हम लोग सुप्रीम का दर्शन, भगवान कैसे हैं, और अभी हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हम जिस जगत में रहते हैं वो ढका हुआ है, जैसे बादल ढके रहते हैं सूर्य को, वैसे ही इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस, जो सबसे बड़ी इग्नोरेंस यही है कि भगवान सर्वत्र हैं लेकिन हम नहीं देख पाते। इससे बड़ा और दुर्भाग्य मनुष्य का कोई हो नहीं सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि ये दुर्भाग्य हुआ, वो दुर्भाग्य हुआ, ठीक है वो एक बात है, किंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या है कि हम लोग आँख वाले अंधे हैं। आँख वाले अंधे होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम देख रहे हैं, और ये और भी ज़्यादा समस्या है। मन होकर हम अज्ञानी हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमको ज्ञान है। तो श्री अरविंद अपनी अपार करुणा और कृपा के कारण उस दर्शन को हमारे निकट ले आते हैं, नज़दीक ले आते हैं। जिस जगत में हम रहते हैं उस जगत को योग की भाषा में, योग साहित्य की भाषा में वर्ल्ड ऑफ टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन, ये भी वास्तव में भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है। सब कुछ भगवान का मैनिफेस्टेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक अमेव द्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है। किंतु ये इग्नोरेंस में मैनिफेस्टेशन है, टेम्पोरल है, काल की सीमा के अंतर्गत है। ये जन्म लेगा और इसको काल जब चाहेगा हटा देगा। इसीलिए यहाँ चीज़ें जन्म लेती हैं और नष्ट हो जाती हैं, ये यहाँ की गति है। और ये क्यों टेम्पोरल है, श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट चीज़ को आप इटर्नल नहीं बना सकते, वो उसमें अपने आप में जैसे चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, क्योंकि वो एक परफेक्शन की तरफ जा रही हैं, अभी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जैसे एक व्यक्ति मूर्ति को, प्रतिमा को बना रहा है, तो वो जगह जगह फाइनल टचेस देता रहता है, तो कहीं से मिट्टी हटाएगा, कहीं चिप करेगा, क्योंकि जब तक वो पूरी प्रतिमा नहीं बन जाती उसको अनावृत नहीं किया जा सकता है। तो ये वर्ल्ड ऑफ टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन है, और इसी कारण यहाँ पर भगवान काल के रूप में या मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। वही मृत्यु का रूप धारण करके चीज़ों को हटाते रहते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे
तो अपूर्णता में ही चीज़ें फिक्स हो जाएंगी और ये बड़ा भयानक होगा। कल्पना कीजिए कि हम लोग अपनी अपूर्णता में भी इमॉर्टल हो जाएं, तो क्या हालत होगी एक 80 85 90 साल में, या अज्ञान में ही हम वहीं पर फिक्स हो गए और उसी को सब कुछ समझने लगे, कितना भयावह होगा वो दृश्य। इस कारण भगवान ही मृत्यु का रूप धरकर, जैसे गीता में हम देखते हैं कि कालोस्मी भव, काल के रूप में प्रकट होते हैं, काल पुरुष के रूप में, और वो जो अकाल हैं काल पुरुष के रूप में आते हैं और सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब सावित्री मृत्यु के इस मुखौटे को, जो टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन को अपने अंदर बता रहा है कि मैं ही इसका राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन में वो काम कर रहा है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि तुम इसमें काम करोगे, जब वो उसको अनावृत कर देती हैं, कहती है मेरे मार्ग से हटो। क्यों मेरे मार्ग से हटो? क्योंकि मुझे एक नई पूर्णता इस विश्व में लानी है। बार बार डेथ और सावित्री के बीच यही द्वंद्व चल रहा है, और डेथ कहता है कि नहीं, ये जगत ऐसा है, इसमें आप नहीं ला सकते हो किसी नई चीज़ को, इसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका कार्यक्षेत्र इतना ही है। आप देखेंगे कि वो, आप किसी ऑफिस में जाइए तो सबसे पहले किससे मुकाबला होता है आपका, जो वहाँ बैठा है डेस्क पर कहेगा रूल के अनुसार आप नहीं कर सकते, यही नियम है। तो आप कहोगे कि एक बार मुझे मिल लेने दो जो मालिक हैं उनसे, वो नियम बनाया उन्होंने, बदल भी सकते हैं, तो आप मालिक से मिलते हैं। तो मालिक कहता है अच्छा कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, उसमें एक नोट डाल देता है, ओके ग्रांटेड है ना, ये तो चीज़ें बदल जाती हैं, फिर कोई कुछ नहीं कहता है। या अगर वो एक लार्जर स्केल की चीज़ हो तो फिर मालिक कहता है हाँ मैं बदल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पूरे पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो नियम के प्रावधान के अंदर आप प्ले कर सकते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपको नियम ही बदलना है, पूरा कानून बदलना है। तो यहाँ पर सावित्री केवल एक व्यक्तिगत रूप से सत्यवान को वापस लाने की चेष्टा नहीं कर रही है, वो धरती पर मर्त्यलोक में मृत्यु के नियम को बदलना चाहती है, और ये एक कठिन कार्य है। तो सबसे पहले जब वो मृत्यु अनावृत होती है, तो वो टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन के पीछे उनको दर्शन होता है इटरनल मैनिफेस्टेशन का। इटरनल मैनिफेस्टेशन बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, और हायर हेमिस्फीयर में है, उसमें अनेकों लोक हैं जिनका वर्णन कहीं कहीं हम लोग पासिंगली पढ़ते हैं। हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड न्यू क्रिएशन में भी श्री अरविंद इसका एक संकेत देते हैं। फिर यहाँ पर वो इटरनल मैनिफेस्टेशन है, जहाँ सब कुछ दिव्य है, दिव्य से प्रेरित है, दिव्य से ही प्रकट है, वो ना जन्मता है ना मरता है, सब आनंद में है, सब प्रकाश में है, सब चैतन्य में है। अनेकों लोकों के वर्णन हम लोग पढ़ते हैं, चैतन्य लोक, तप चिदघन लोक, तपोलोक, सत्य लोक, आनंद लोक, ये सब उस इटर्नल मैनिफेस्टेशन के अंदर है। तो सबसे पहले सावित्री को उसका दर्शन होता है, और उसका हम लोग थोड़े से कुछ कुछ लाइंस पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। पेज 671 पहली कुछ लाइन, टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन के बारे में हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं, और सावित्री में इसका बुक टू में बहुत वर्णन है कि कैसा है ये। अब इटर्नल मैनिफेस्टेशन कैसा है? ए मार्वेलस सन लुक डाउन फ्रॉम एक्सटेसीज स्काइज ऑन वर्ल्ड्स ऑफ डेथलेस ब्लिस परफेक्शंस होम। वहाँ नित निरंतर आनंद है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना आनंद, आनंद लोग बहुत बार महारास, जहाँ श्री कृष्ण सदैव गोपियों के साथ, गोप के साथ रास महारास में लीन है। वर्ल्ड्स ऑफ डेथलेस ब्लिस, वो आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता। परफेक्शन होम, यहाँ परफेक्शन का घर नहीं है, यहाँ बिल्ड करना पड़ता है। एक बहुत बार ये इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमको चीज़ बनी बनाए मिल जाए। तो काउंसलिंग के दौरान बहुत बार
ये मैं कहता हूँ कि यहाँ कोई भी चीज़ बनी बनाई नहीं मिलती, सब कुछ बनाना पड़ता है, ये यहाँ की लॉ है। और आप बना भी लोगे तो इवॉल्व होगा वो, ये विकास का लोक है, यहाँ पर परफेक्शन बना बना नहीं है। और इस छोटी सी चीज़ के कारण लोग कितनी भूल करते हैं कि अरे वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, नहीं आप बिल्ड करोगे, रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, नहीं आप बिल्ड करोगे, जीवन में मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं है, यू हैव टू बिल्ड इट। और यही यहाँ की ब्यूटी है, यहाँ का लॉ है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि लेकिन वहाँ पर परफेक्शंस होम, मैजिकल अनफोल्डिंग्स ऑफ द इटर्नल स्माइल कैप्चरिंग हिज सीक्रेट हार्ट बीट्स ऑफ डिलाइट। अब यहाँ पर काल, समय, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके हिसाब से चीज़ें आ रही है। वहाँ क्या हो रहा है, अनफोल्डिंग हो रही है। अनफोल्डिंग एक बड़ी सुंदर चीज़, वे हैं, केवल उनको खोल करके दिखा दिया, अनफोल्डिंग। जैसे एक पुष्प है वो इस तरह से अनफोल्ड होता है, एक बड है, एक कली है, वो अनफोल्ड कर रही है। और हर एक जो भी चीज़ वहाँ पर अनफोल्ड हो रही थी इटर्नल की, उसके साथ में भगवान की मुस्कान है। और हार्ट बीट्स ऑफ डिलाइट, एक एक क्षण, एक एक मुहूर्त, अगर हम ये शब्द यूज़ करें, वहाँ पर टाइम का सेंस अलग है, नहीं है, बल्कि केवल हम ये कह सकते हैं कि अनफोल्डिंग के हिसाब से एक एक मुहूर्त वो आनंद में है। गॉड्स एवर लास्टिंग डे सराउंडेड हर, डोमेन्स अपीयर्ड ऑफ सेम्पिटर्नल लाइट, इनवेडिंग ऑल नेचर विद द एब्सोल्यूट्स जॉय। डोमेन्स अपीयर्ड ऑफ सेम्पिटर्नल लाइट, वहाँ पर अंधकार नहीं है, वहाँ शेडो नहीं है, माता जी शब्द यूज करते हैं, शेडोलेस लाइट। और देर इज़ दी जॉय ऑफ दी एब्सोल्यूट, जो प्रकृति के वहाँ, वहाँ जो कुछ भी है, जिस भी सब्सटेंस से बना है, जो भी बीइंग्स हैं, जो भी फॉर्म्स हैं, जितने भी वहाँ पर दृश्य हैं, उन सब के अंदर एक एक चीज़ में डिलाइट भगवान का समाया हुआ है। हर सोल, हर बॉडी क्विवर्ड विद इटर्निटीज टच, हर सोल स्टूड क्लोज टू द फाउंट्स ऑफ द इन्फिनिट। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है, यहाँ शेरविंद, हर बॉडी क्विवर्ड, इवन सदेह, सदेह इस अवस्था में पहुँचना ये असंभव माना गया है। हम इस शरीर से विड्रॉ करके दूर कहीं ट्रांस में इसका दर्शन कर सकते हैं, लेकिन श्री माँ सावित्री सदेह, सदेह जाने की कल्पना हुई है, इवन हायर हेवेंस तक जाना कठिन है सदेह, क्योंकि उसके लिए बॉडी के कण कण में प्योरिटी चाहिए, वो अगर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन श्रीमा सदैव वहाँ जाती हैं और उस टच को महसूस करती हैं। अब कुछ लाइन बिलो, कुछ लाइन नीचे, इन ग्रैंडियोर्स एवर न्यू बॉर्न फ्रॉम द अननोन डेप्थ्स। ये मोनोटोनस वर्ल्ड नहीं है, वही ग्रैंडियोर, एक ही आनंद अनेकों अनेकों रूप से वहाँ प्रकट हो रहा है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि सुप्रामेंटल वर्ल्ड, अभी तो मेंटल वर्ल्ड है, इसमें कितनी तरह की चीज़ें हैं, कितनी हॉबीज़ हैं, कितनी क्रिएटिव विधाएं हैं, तो सुप्रामेंटल वर्ल्ड कैसा होगा? कहते हैं कि मेंटल वर्ल्ड से कहीं अधिक उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, ये तो उसके सामने एकदम फीका और मोनोटोनस लगेगा। तो सुप्रामेंटल वर्ल्ड एक रस वर्ल्ड नहीं होगा। और उसका एक हिंट हम लोगों को मिलता है यहाँ पर इटर्नल मैनिफेस्टेशन में, इन ग्रैंडियोर्स एवर न्यू बॉर्न फ्रॉम द अननोन डेप्थ्स, इन पावर्स दैट लिव्ड इमॉर्टल फ्रॉम अननोन हाइट्स, इन पैशनेट हार्ट बीट्स ऑफ एन अनडाइंग लव, इन सीन्स ऑफ ए स्वीटनेस दैट कैन नेवर फेड। टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन में सब जो आता है फेड कर जाता है, इसीलिए दो रास्ते लेते हैं लोग। एक रास्ता लेते हैं कि सब फेड कर जाता है, अनित्यम असुखम, तो इस जगत, इस भूमि को त्याग करके कहीं और चले जाओ। श्री अरविंद माता जी दूसरा रूट लेते हैं, अनित्यम असुखम, लेकिन यहाँ टचेज हैं, वो टच क्यों नहीं स्थायी रह पाता है? क्यों ना यहाँ पर उस दिव्य के टच को, जो कभी कभी हम महसूस करते हैं किसी गहराई में, वो यहाँ पर हर समय एक परफेक्शन के रूप में प्रकट हो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज 672। एरिजन बीनीथ ए ट्रिपल मिस्टिक हेवन,
दी सेवन इमॉर्टल अर्थ्स वेर सीन सबलाइन. इसको शेरविन ट्रिपल मिस्टिक हेवन जो छिपा हुआ है. ये हेवन तो हम लोग जानते हैं जो फिजिकल वाइटल मेंटल वर्ल्ड के हेवन भी हैं और हेल भी हैं, उनकी ऊंचाइयाँ और गहराइयाँ हैं. मिस्टिक हेवेंस सतलोक चिदघन लोक आनंद लोक दे आर दी हाइट्स ऑफ ग्लोरी. द सेवन इमॉर्टल अर्थ्स, ये अर्थ को हम लोग जानते हैं, ये एक शैडो है, एक रेप्लिका है. जो रियल अर्थ्स हैं वो अब सावित्री उनको देख रही हैं जो छिपी हुई हैं. होम्स ऑफ द ब्लेस्ड रिलीज्ड फ्रॉम डेथ एंड स्लीप वेयर ग्रीफ कैन नेवर कम नॉर एनी पैंग अराइविंग फ्रॉम सेल्फ लॉस्ट एंड सीकिंग वर्ल्ड्स आफ्टर हेवन नेचर्स चेंजलेस क्वाइट्यूड एंड माइटी पोस्चर ऑफ इटर्नल काम इट्स पोज ऑफ एक्सटेसी इम्यूटेबल. इस तरह से वो पूरा इन इन वर्ल्ड्स का दर्शन है. इसमें हम लोग बहुत देर नहीं रुकेंगे क्योंकि सावित्री भी यहाँ नहीं रुकती हैं. उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ आओ, विश्राम करो, सतत सदैव चिरंतर काल के लिए आप सत्यवान के साथ यहाँ रह सकती हो. सावित्री रिफ्यूजेस दिस, पर वो पार्ट लेटर में, लेटर ऑन. थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, पेज 675. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक क्रूड प्रतिकृति है. जो ओरिजिनल है वहाँ पर है. तो टू स्टार्ट विद, अगर हमको यहाँ परफेक्शन बिल्ड भी करना है तो हमको ओरिजिनल को देखना है. और इसकी स्टोरी आती है ना कि वो जब धरती पर गीत गाते गाते और उसको डिस्टॉर्ट करते करते जो गंधर्व लोक है उसके बीइंग्स वो विकृत हो गए. तो नारद उनको देखते हैं तो कहते हैं कि ये तुम लोगों की दशा किसने की है. तो वो बीइंग्स कहते हैं कि हमारी दशा, ये दुर्दशा मनुष्यों ने की है धरती पर. अच्छा, कैसे की है? वो ऐसा गाना गाते हैं, ऐसा गाना गाते हैं कि हमारी देह अंग भंग सब डिस्टॉर्ट हो गए. तो कहते हैं अब इसमें इसका हल क्या है? तो कहते हैं हल तुम्हारे पास नहीं है नारद. कहते फिर भी बताओ, मैं प्रयास करूँगा. कहते वो तुम्हारी वीणा में वो परफेक्शन नहीं है. यदि स्वयं शिव साक्षात नृत्य करें और फिर से उन रिदम्स को निकालें तो हम फिर से सुकृति में बदल जाएंगे. तो फिर वो स्टोरी है कि जब वो जाते हैं, शिव नृत्य करते हैं और ऑडियंस के लिए ब्रह्मा और विष्णु हैं, और उस समय जो भाव उठते हैं विष्णु के हृदय में उसको ब्रह्मा जी अपने कमंडल में कैप्चर कर लेते हैं. दैट इज़ द स्टोरी ऑफ गैंजेस, जो ओरिजिनल उसके बाद में वो आते हैं, लेकिन गंगा के जन्म का. तो इस यहाँ पर वो परफेक्शन की शेडो है, विकृति है. जैसे आप बच्चे को कहते हैं कि तुम बनाओ जो तुमने देखा, तो बच्चा जब बनाता है तो वो चाह रहा है बनाना लेकिन वो कैपेबल नहीं है, तो वो उसका एक विकृति सी बना देता है. फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग करके वो और बेटर करेगा, और बेटर करेगा. तो ये भाव यहाँ पेज 675 पर आएगा. Heaven's subtleties of touch, unwearing, forced, more vivid raptures than earth's life can bear. ये लगभग बीच में है. एक और समस्या जो ट्रांसफॉर्मेशन की ये है कि भगवान के टच को, शेपिंग टच को हम बेयर नहीं कर सकते. एक भाव पहले भी आता है, mortality bears ill the eternal's touch. उसमें इतना रैप्चर है, इतना आनंद है कि हम डिजॉल्व हो जाएंगे. माता जी इसको बार बार कहती हैं कि संसार में जो रूपांतरणकारी शक्ति है वो प्रेम है, वो धरती पर कार्यरत है, लेकिन मनुष्य के अंदर थोड़ी प्रिपरेशन और रिसेप्टिविटी चाहिए. थोड़ा सा भी प्रेम मिलता है हम उसमें उछलने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं. तो अगर वो टच आए तो हम उसको बेयर नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर उसकी बात की गई है. वॉट वुड बी सफरिंग हियर वॉज फायरी ब्लिस. जिसको हम पीड़ा समझते हैं वास्तव में वहाँ पर वो आनंद है. इसका एक संकेत श्री अरविंद एक एफोरिज्म में देते हैं. गीता में भी इसका संकेत है, एफोरिज्म में देते हैं. वो कहते हैं कि गॉड टुक ए चाइल्ड क्लोज टू हिज हार्ट बट द मदर वेप्ट. ये
बहुत टचिंग है कि भगवान ने उस बच्चे को अपने हृदय में पास में बुला लिया कि तुम आओ मेरे छाती पर सो जाओ. लेकिन स्वाभाविक है कि माँ अज्ञान में वो रो रही है. गीता में भी हम इसी चीज़ को देखते हैं कि जब श्री कृष्ण दिखाते हैं कि उनका क्या प्रयोजन है यहाँ पर, वो ये सब कुछ क्लियर करने वाले हैं क्योंकि धर्म की स्थापना होनी है. लेकिन जो वास्तव में युद्ध करेंगे, जो जीवन इसमें लूज करेंगे, वो एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं. तो जो यहाँ पर हम सफरिंग के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, वास्तव में वो अज्ञान के कारण है. अगर हमारे सामने वो पूरा दृश्य प्रकट हो जाए सारी संपूर्णता में कि ये वास्तव में कोई चीज़ नष्ट नहीं हुई है, लेकिन ये एक न्यू क्रिएशन की ओर जा रही है, ये एक नया रूप लेकर के धरती पर आएगी. अगर ये हमारे सामने केवल इंटेलेक्चुअल बिलीफ के रूप में नहीं, अगर आंखों के सामने प्रकट हो जाए, तो फिर कहीं पर भी कोई पीड़ा नहीं होगी. एक जगह माँ बताती हैं कि बहुत, कहती हैं कि बहुत कठिन होता है कई बार जो एक डिवाइन बीइंग देखता है उसको लोगों को बताने में. फिर एक एग्जांपल देती हैं कि एक छोटे से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसके माता पिता नेचुरली आते हैं और दुख में हैं, और माँ उनको रोज़ देना चाह रही हैं. तो माँ कहती उसी समय वो बच्चे की सोल आती है, और माँ कहती इतना ब्यूटीफुल, इतना टेंडर, और वो कहता है नहीं 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 मुझे ये वाला रोज़ चाहिए और ये वाला दो तुम उनको. तो माँ उस रोज़ को उठाती हैं और माँ कहती कि मेरे अंदर में एक पूरी स्माइल, क्योंकि वो आकर के बहुत खुश, बहुत प्रसन्नता में वो इस रोज़ को उठा करके अपने पेरेंट्स को दिला रहा है. फिर माँ कहती कैसे मैं इस चीज़ को उनको कहूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँगी तो वो समझ नहीं पाएंगे और उनको पीड़ा होगी क्योंकि वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे. लेकिन मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि वो बहुत आनंदित है और वो आया है मेरे पास है, और वो मुझे कह रहा है कि माँ ये रोज़ उठा करके ये वाला उनको दो, तो मैं जो उठाने वाली थी मैं उसको छोड़कर दूसरा रोज़ उठा करके देती हूँ. ये एक अलग विजन है जिसमें एक एग्जाम्पल है कि कैसे यहाँ पर जिसको हम पीड़ा समझते हैं, वहाँ पर वो सारे एक्सपीरियंसेस वास्तव में रैप्चर, आनंद के इक्विवेलेंट में बदल जाते हैं. फायरी ब्लिस ऑल हियर बट पैशनेट हिंट एंड मिस्टिक शेड. यहाँ जो कुछ भी है वो एट द मोस्ट एक हिंट है और शेड है, मिस्टिक शेड. डिवाइन बाय द इनर प्रॉफिट हु परसीव्स द स्पिरिट ऑफ डिलाइट इन सेंसुअस थिंग्स टर्न टू मोर स्वीटनेस देन कैन नाउ बी ड्रीम्ड. The mighty signs of which earth fears the stress, trembling because she cannot understand. जो कुछ हम यहाँ देखते हैं वो केवल एक हिंट है. इवन सेंसुअस ब्यूटी, सेंसेस जिस चीज को देख करके बहुत आनंदित होती हैं, श्री अरविंद बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही क्रूड है कंपेयर टू जो वास्तव में भगवान के हृदय में प्रकट है. कुछ पंक्तियां नीचे, हियर रैप्चर वॉज ए कॉमन इंसिडेंट द लवलीनेसेस ऑफ हूज कैप्चर्ड थ्रिल अवर ह्यूमन प्लेजर इज ए फॉलन थ्रेड. जिसको हम प्लेजर कहते हैं वो वहां से गिर करके यहाँ पर, अब इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है प्रयाग इलाहाबाद में है, कुछ लोग गए होंगे, संगम है वहां पर. तो कहते हैं कि वहां गंगा यमुना सरस्वती मिली हुई, और यहाँ पर नहाने से, स्नान करने से अमृत पिया जाता है. वास्तव में स्टोरी ऐसी कि जो अमृत देवासुर संग्राम में जो छलक गया, क्योंकि दोनों खींच रहे थे अमृत का कलश, तो उसमें से कुछ बूंद गिरी और गिरी और प्रयाग में गिरी. तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि बूंद गिरी अमृत की, लेकिन एक्चुअली अगर आप वहाँ पर जाएंगे गंगा नदी के अंदर बोटिंग करने, तो आपको लगेगा कि पता नहीं यार सच में अमृत है या कुछ और आ गया, वो डिस्टॉर्टेड है नीचे गिर के. तो उसका एक हिंट है कहानी के माध्यम से, ऋषि मुनियों ने उसको रखा हुआ है प्रिजर्व करके, कि वास्तव में जो कुछ पृथ्वी पर घटित होता है वो उसका मूल सूत्र वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आकर वो मट्टी में मिल गया है, इतना गंदा हो गया है कि आप उसको अमृत कह करके पीने में बहुत बार सोचना पड़ेगा या लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी. तो ये धरती और वहां की अवस्था. और हम लोग आगे बढ़ेंगे पेज 677.
लाइन 235 आधे से नीचे, शी बिहेल्ड द क्लैस्प टू अर्थ डिनाइड एंड बोर द इम्पेरिशेबल आईज ऑफ वेललेस लव. क्लैस्प टू अर्थ डिनाइड, वो आलिंगन जो पृथ्वी पर, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा, वी कैनॉट बेयर इट. मोर क्लाइंड अबव, लेवल टू लेवल रीच, ये इटर्नल मैनिफेस्टेशन भी बहुत इसके रेंजेस हैं. बियॉन्ड व्हाट टंग कैन अटर और माइंड ड्रीम, वर्ल्ड्स ऑफ एन इन्फिनिट रीच क्राउंड नेचर्स स्टर. देयर वॉज ए ग्रेटर ट्रैंक्विल स्वीटनेस देयर, ए सटलर एंड प्रोफाउंडर ईथर्स फील्ड एंड माइटियर स्कीम देन हेवनलीएस्ट सेंस कैन गिव. Their breath carried a stream of seeing mind. Form was a tenuous remnant of the soul. Color was a visible tone of ecstasy. Shapes seen half immaterial by the gaze. मैं इसका थोड़ा सा वर्णन कहीं कहीं एजेंडा में करती हैं कि श्री अरविंद का एक जगत है और वहाँ पर कई मटीरियल चीज़ें जो यहाँ पर हैं वहाँ पर भी हैं, लेकिन वो सेल्फ ल्यूमिनस है. यहाँ पर अगर कोई चीज़ रखी है आपको ढूंढना है तो प्रकाश जलाना है, वहाँ पर वो सेल्फ ल्यूमिनस है और जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार वे आपके पास आ जाती है. बहुत सुंदर इसका वर्णन है और वहाँ बताती है फॉर्म. अभी यहाँ पर फॉर्म सोल को वेल करता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है. लोग पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है आत्मा, लेकिन दिखाई नहीं देती, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, इसलिए आत्मा नहीं है. ये साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं है. श्री अरविंद इसका बहुत ही साइंटिफिक कंक्लूजन कहते हैं, कहते हैं हाँ क्योंकि फॉर्म वेल्स द सोल. वो इतना ठीक है, जैसे आप लोहे के बक्से में अगर हीरा रख दें तो हीरा नहीं दिखाई देगा, तो हम ये नहीं कंक्लूजन बना सकते इस बक्से को देख करके कि हीरा नहीं है. हीरा है कि नहीं, आपको बक्से को खोलना पड़ेगा. लेकिन अगर ये बक्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आप स्वतः ही कह दोगे हाँ हीरा अंदर है, मुझे दिख रहा है. तो सुपरामेंटल बॉडी ऐसी ही होगी कि अंदर जो देही है, बहुत सुंदर ढंग से शेरविन बताते हैं, लाइक ए ट्रांसपेरेंट मेंटल. और उसको ये जो हमारे जो आजकल लैम्प शेड्स आते हैं, तो एक ऐसा लैम्प शेड जो अंदर के प्रकाश को ट्रांसमिट करे फ्रीली बाहर की ओर. वहाँ कलर्स भी हैं, वहाँ पर शेप्स भी हैं, सब कुछ है. एंड येट वोलप्चुअसली पाल्पेबल, उनको टच भी किया जा सकता है. मेड सेंसिबल टू टच द इनडवेलिंग स्पिरिट. लेकिन जब उन फॉर्म्स को उस जगत में, इटर्नल मैनिफेस्टेशन के जगत में जब टच करते हैं, तो वो सीधा सोल के संपर्क में ले जाता है हम लोगों को. यहाँ पर क्या होता है, जब टच करते हैं तो वो प्राण के संपर्क में ले आता है. तो अगर प्राण बहुत गुस्से में है तो हम कहते हैं कि उफ किसने टच कर दिया, और अगर प्राण एक दूसरी अवस्था में है तो उसको हम प्लेजर के रूप में महसूस करते हैं, प्लेजर एंड पेन के रूप में. लेकिन वहाँ पर प्लेजर नहीं, पेन नहीं, हर एक कॉन्टैक्ट, हर एक टच हम लोगों को डिलाइट, भगवान का डिलाइट देता है. और लास्ट चार लाइन इस पैसेज की पढ़ेंगे. एक्सपीरियंस माउंटेड ऑन जॉयस कलर्ड ब्रेस्ट टू इनएक्सेसिबल स्फीयर्स इन स्पाइरल लाइट, देयर टू इनएक्सेसिबल स्फीयर्स इन स्पाइरल फ्लाइट, देयर टाइम ड्वेल्ट विद इटर्निटी एज वन, इमेंस फेलिसिटी जॉइंड रैप ट्रिपोस. और यही श्री अरविंद बताते हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या डिफरेंस है, इवोल्यूशन तो अभी तक भी हुआ है, तो अब सुपरामेंटल आने के बाद कहते हैं हाँ इवोल्यूशन होगा और आगे जाएंगे, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है भगवान के मैनिफेस्टेशन की. तो कहते हैं फिर डिफरेंस क्या है, तो श्री अरविंद कहते हैं अभी जो इवोल्यूशन है वो है फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी. तब क्या होगा, फ्रॉम जॉय टू ग्रेटर जॉय, फ्रॉम फ्रीडम टू ग्रेटर फ्रीडम. सो वो जो इवोल्यूशन होगा उसमें जॉय टू ग्रेटर जॉय, अभी सफरिंग से जॉय की ओर हम, तो ये इग्नोरेंस में इवोल्यूशन है, तब वो कॉन्शियस नॉलेज के साथ इवोल्यूशन होगा, आनंद के साथ होगा, मैनिफेस्टेशन होगा भगवान का. और उसको इवोल्यूशन कहना भी लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल जो एक विकास होता है वैसा नहीं है, वो एक अनफोल्डिंग है. जैसे कोई अपने हाथों में कोई चीज़ बंद कर लेता है और फिर से खोल देता है, तो इट्स एन अनफोल्डिंग. एक इसका टिपिकल एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि बचपन में एक बहुत प्रिय खेल तब होता था, पता नहीं अभी लोग बच्चे खेलते कि नहीं,
वो कहते हैं हाइड एंड सीक, क्या बोलते हैं उसको, छुपन छुपाई ना। हाँ अच्छा, देखिए उसमें क्या होता था कि जो आपका प्रिय है छुप जाता था, आप उसको खोज रहे होते थे, खोजने में भी जॉय था, नहीं मिल रहा है तो भी जॉय था, और वो बीच पीछे आके टच करके छिप जाता, उसमें भी जॉय था, है ना, जॉय था। अब कल्पना कीजिए कि कोई छिप गया और आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो कितना पेन होता है ना, छिप गया, मृत्यु के आवरण में चला गया, नहीं खोज पा रहे, ये डिफरेंस है। अनफोल्डिंग में आपको पता है, ये तो एक खेल है, जिसमें वैसे खेल नहीं कि यहाँ पर इग्नोरेंस में हम खेल मान लें, वैसा खेल नहीं है, वो खेल है, पता है कि अभी छिपे अभी प्रकट हो गए, तो इट इज़ एन अनफोल्डिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस में कोई चीज़ चली जाती है अगर मैनिफेस्टेशन से अनमैनिफेस्ट में, तो मृत्यु वास्तव में कुछ नहीं होती, इट पासिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो हम उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते और वो हम लोगों के लिए पीड़ा का विषय बन जाता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है और फिर अब प्रकट होते हैं मैनिफेस्ट डिवाइन। माता जी बताती हैं कि डिवाइन एक है, लेकिन देर इज़ द मैनिफेस्ट डिवाइन, डिवाइन इन मैनिफेस्टेशन, एंड देर इज़ द अनमैनिफेस्ट डिवाइन। और आम तौर पर जो योगी रहे हैं सारे, जो बहुत पहुँचे हुए योगी, यहाँ योगी शब्द भी बहुत डिस्टॉर्ट हो गया, हर कोई गिरवा वस्त्र पहन के थोड़ा नाच गाना कर ले या शास्त्र संगत कर ले वो योगी नहीं है, पर रियली जो उस ऊँचाई तक पहुँचे, तो उन्होंने मैनिफेस्ट डिवाइन को डिवाइन नहीं समझा और उसके परे जो अनमैनिफेस्ट है वही डिवाइन है, और मैनिफेस्टेशन को छोड़कर वो अनमैनिफेस्ट में चले गए। माँ कहती हैं कि ये करते रहे लोग, लेकिन यहाँ पर प्रयोजन कुछ और है, अनमैनिफेस्ट में जो छिपा हुआ है उसको यहाँ मैनिफेस्टेशन में लाना है। तो पहले उनका दर्शन, ये जो टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन है जो मृत्यु के अधीन है, तो वास्तव में मृत्यु कौन है, भगवान ने ही एक आवरण पहना हुआ है, कठोर आवरण, क्यों, क्योंकि उसके बिना इवोल्यूशन नहीं होगा। वही जो गौरी हैं, हम लोगों के शास्त्रों में आता है, वही जब अंधकार में कूद पड़ती हैं, दैत्य असुरों के बीच में चली जाती हैं, तो दैत्य असुरों का जो कॉन्शियसनेस है उसी से वो अपनी देह को रंग लेती हैं, और वही गौरी काली बन जाती हैं, भीषण बन जाती हैं। तो उसी प्रकार से जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वास्तव में वो भगवान का एक मुखौटा है, क्योंकि उनको चिपिंग करनी है, उनको इग्नोरेंस को, अभी इग्नोरेंस में ही चीज़ों को हमेशा बनी रहें ऐसा नहीं होना है, तो इसलिए उनको ये, वो ये काम वो स्वयं लेते हैं। और ये बहुत सुंदर पेज 678 पर अंतिम तीन लाइन या इस पैसेज को शुरू से हम लोग पढ़ लेते हैं, पेज 678। As one drowned in a sea of splendor and bliss, mute in the maze of these surprising worlds, turning she saw their living knot and source, key to their charm and fount of their delight. Eternal manifestation, ये कहाँ से प्रकट हो रहा है? Their living knot and source, तो उस ओर देखती हैं जगन माता। And knew him for the same who snares our lives. और देखते ही वो कहती हैं, अच्छा आप ही हो जो इस रूप में आकर हम लोगों के साथ ट्रिक कर रहे थे। श्री अरविंद एक जगह लिखते ना एफोरिज्म में कि पहले जब मैं, मेरे से कुछ पाप हो जाता था तो मैं बहुत पीड़ा अनुभव करता था या भगवान को टॉर्चरर कहता था, अब जब कभी मैं गिरता हूँ तो मैं देखता हूँ भगवान की ओर और देखता हूँ कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कहता हूँ अच्छा अब मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। ये एक अवस्था है चेतना की। तो वो देखती है कि यही है जिन्होंने हम लोगों को इस बंधन में बांधा हुआ है। एंड न्यू हिम फॉर द सेम हु स्नेयर्स अवर लाइव्स, कैप्चर्ड इन हिज टेरिफाइंग पिटीलेस नेट एंड मेक्स द यूनिवर्स हिज प्रिजन कैंप। कैसे बांधा है उन्होंने, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग ये भाव है। भगवान ने कैसे बांधा है, किस नेट से बांधा है? बांधा भी लव के नेट से है और इससे मुक्ति भी लव की पावर ही कर सकती है। प्रेम के नेट से कैसे बांधा है, सब जानते हैं कि मृत्यु है, अपूर्णता है,
दुख है, शोक है, है ना पृथ्वी पर, ये यूनिवर्सल सबका एक्सपीरियंस है कि नहीं? यदि अपना नहीं तो किस जीवन में देखा हुआ है, तो कहा जाए कि अच्छा ठीक है, अभी कल टिकट वीज़ा स्टैम्प हो करके आने वाला है, चलो हम लोग दूसरे दुनिया में चलेंगे यहाँ छोड़ करके, तो कितने कितने लोग तैयार होंगे? ज़्यादातर लोग तो पहले डाउट करेंगे, फिर ये नहीं अभी तो अच्छा, अभी क्यों जाना है, मेरे तो बेटा का अभी शादी होना है और आगे पढ़ाई करना है, थोड़ा वो देख लें। फिर बेटे का जब हो जाता है, लोग ऐसे बोलते हैं ना, बाद में हम लोग देखेंगे थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ, फिर उसके बाद जब बेटे बेटे की शादी हो जाती है, फिर वो कहते हैं बस एक बच्चा, बस बच्चा बेटी हो गई। नहीं नहीं, बच्चा, हमने बच्ची नहीं कहा था, बेटा हो जाए, फिर उसके बाद बेटा हो गया। हाँ तो लेकिन देखिए, उसको ज़रूरत है हमारी ना, ग्रैंड पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। बेटा तो हमारा काम कर रहा है, दोनों अमेरिका में बिजी हैं, तो हमको तो वहाँ रहना पड़ेगा ना साथ में। ऐसे करते 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 वो क्या है, स्नेयर है, और किसने बांध करके रखा है, बांधने वाला भी वही है, मुक्त करने वाला भी वही है। तो उसने कैसे बांधा है, लव के ही डोर में बांधा हुआ है किसी ना किसी चीज़ से। ऑफकोर्स वो एक उसका एक डिग्रेडेड फॉर्म है, लव वर्ड बहुत लूजली नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं स्नेह के धागे से, जो मोह बन जाता है, मोह के पास से उसने बांधा हुआ है हर चीज़ को हर किसी के साथ। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, वो देख रही हैं कि ये कैसे बांधा है। कुछ पंक्तियाँ नीचे, One whom her soul had faced as death and night is some of all sweetness gathered into his limbs and blinded her heart to the beauty of the suns. यही हम लोग गीता में दर्शन करते हैं manifest divine का, कि वो एक और terrifying image है उनकी, और दूसरी ओर अनेक पुष्प, अनेक दिव्य गंध, अनेकों प्रकार का माधुर्य उनके अंदर से प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर वही हैं जिन्होंने ये मास्क पहना हुआ है। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्री अरविंद का अद्भुत वेदांत है, जहाँ दो नहीं है, एक ही है। वही हैं जो पूर्ण प्रकाश हैं, और वही हैं जिन्होंने अंधकार का मास्क पहना है। एक जगह श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से लिखते हैं, नन इज बाउंड, नन इज फ्री, नन सीकिंग टू बी फ्री। जब वो परब्रह्म की बात करते हैं उस स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि वो सारा केवल उस एक का संप्रसारण है। लेकिन ये अनेकों महान सत्यों की तरह इस सत्य को हम लोग मिसअप्लाई भी कर सकते हैं कि अच्छा फिर तो बहुत अच्छा है, हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन जीते रहे। लेकिन सच ये है कि अगर हम वो भी करेंगे तो भी संभव नहीं है, ऐसा खेल है उनका। ट्रांसफिगर्ड वॉज द फॉर्मिडेबल शेप, हिज डार्कनेस एंड हिज सैड डिस्ट्रॉइंग माइट, एबॉलिशिंग फॉर एवर एंड डिस्क्लोजिंग The mystery of his high and violent deeds, a secret splendor rose revealed to sight, where once the vast embodied void had stood. Night, the dim mask, had grown a wonderful face. यही बात मैं कर रहा था प्रारंभ में, कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मुख्यतः अपना वह रूप दिखाते हैं जो विनाश करने के लिए उद्धृत हुआ है, कहते भी हैं, अपना परिचय देते हैं। जब अर्जुन कहते हैं आप कौन हो, तो ऐसे नहीं बताते हैं कि आई एम सुप्रीम, वो कहते हैं कालोस्मि भव, मैं काल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। क्यों आए हो, क्या प्रयोजन है, लोकशय कृत प्रवर्तो, मैं इन सब का विनाश करने आया हूँ। अब नेचुरली ये टेरिफाइंग विजन है, अर्जुन भी कांप जाता है। तो अब और बहुत कुछ था जो हिंट देते हैं, वहाँ दिखाते नहीं, हिंट है उसमें कि साथ में वो देखते हैं एक बहुत सुंदर, लेकिन घबरा जाते हैं, वो कहते हैं अपना थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में हम मेरे सामने प्रकट हो, चतुर्भुज रूप में। लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से श्री कृष्ण ने सोचा होगा एक ह्यूमन लैंग्वेज में कि देखो मैंने तो ये रूप दिखाया मनुष्यता को, अब ये रूप तो उनके दिमाग में अंकित हो गया है, लेकिन अभी मेरा जो असली रूप है वो तो मैंने दिखाया नहीं है, जब मनुष्य तैयार होगा तो मैं आके वो रूप दिखाऊंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ही श्री अरविंद बन करके अपना वो रूप दिखा रहे हैं जो महाभारत युद्ध में पीछे छिपा है, जिस पर एक हिंट दिखाई देती है। तो यहाँ वो श्री अरविंद कहते हैं वो फॉर्मिडेबल शेप जो उन्होंने एज्यूम की थी
वो चली जाती है. एंड व्हाट ही डिस्कवर्स, ऑल स्वीटनेस एंड ऑल ग्लोरी. बहुत सुंदर है ये पूरा पैसेज. द वेग इन्फिनिटी वॉज स्लेन हुज ग्लूम हैड आउटलाइंड फ्रॉम द टेरिबल अननोन द ऑब्स्क्योर डिजास्ट्रस फिगर ऑफ ए गॉड. फ्लेड वॉज द एरर दैट आर्म्स द हैंड्स ऑफ ग्रीफ. जब एक बार हम वो विजन देख लेते हैं तो फिर एरर समाप्त हो जाता है. इनफैक्ट एरर शब्द खत्म हो जाता है वोकेबलरी से. एक जगह शेरविंद का एक एफोरिज्म है और माँ उस पर कमेंट भी करती हैं. शेरविंद का एफोरिज्म है ये कि वेयर इज द एरर, व्हाट मैन कॉल एरर. हम लोग कहते हैं कि ये गलती है, लेकिन उस डिवाइन विजन से वो गलती नहीं है. तो माता जी से किसी ने पूछा, डिसाइपल ने, कि माँ ये क्या है, ऑल इज द लॉर्ड, तो एरर नहीं है. माँ कहती हाँ, उस विजन में एरर नहीं है, ऑल इज द लॉर्ड. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इसका जगह जगह शेरविंद के उसमें सावित्री में भी संकेत आता है. आवर एरर्स आर ही स्टेप्स अपॉन द वे. जैसे एक बच्चा ड्राइंग करना सीखता है तो एक बार में नहीं सीखता है, तो उसको मिटाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, कभी कभी उसको दंडित भी होना पड़ता है. लेकिन अल्टीमेटली वो एरर वास्तव में वो एक ग्रोइंग परफेक्शन है. डिवाइन अपने आप को ही बिल्ड कर रहा है और खुद ही बनाता है और खुद ही उसको डिस्ट्रॉय करता है, फिर से उसको रीबिल्ड करता है. तो यहाँ पर वो भाव है कि वो एरर चला गया. दैट आर्म्स द हैंड्स ऑफ ग्रीफ एंड लाइटेड द इग्नोरेंट गल्फ हुज हॉलो डीप्स हैड गिवन टू नथिंगनेस ए ड्रेडफुल वॉइस. फ्यू लाइन्स बिलो, ए मार्वेलस फॉर्म रिस्पॉन्डेड टू हर गेज whose sweetness justified life's blindest pain. जब हम उनको देख लेते हैं तब हम लोग कहते हैं हाँ, जो कुछ हमारे जीवन में हुआ it was worth it. एक बार एक कोई मुझसे मिला, कहता है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ. बोले क्या कष्ट है? कहते हैं मुझे रोज दिन भर भूत दिखाई देते हैं. अच्छा, तो भूत क्या करते हैं, क्या होता है आपके साथ? तो पता नहीं बहुत बहुत डर लगता है. फिर आपने क्या किया उस डर से निकलने के लिए? बोला बस जब मैं पांडिचेरी आ जाती हूँ तो भूत चले जाते हैं. तो अब मैं बार बार जब वापस जाती हूँ तो फिर से शुरू हो जाते हैं, फिर जब मैं पांडिचेरी आती हूँ चले जाते हैं. तो मैंने, बहुत अच्छे भूत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. अगर आपको धक्का दे दे के बार बार पांडिचेरी ले आ रहे हैं तो ये तो अच्छे भूत हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, उनकी बात ही सुन लीजिए, आप यहीं पर रुकिए, क्योंकि वो उनका काम यही है. तो ये लाइफ्स ब्लाइंडेस्ट पेन, वास्तव में ये पेन किधर ले जा रहा है हमको? ये एक द्वार की ओर बार बार संकेत कर रहा है, उसको खोलो, उसको खोलो, उसको खोलो. लेकिन हम लोग नहीं नहीं वो जरा वो नंबर उठ, मेरे जो वकील फ्रेंड है उनको जरा बोलना, वो पुलिस वाले, वो हाई अप, वो मेरे, मैं जानता हूँ उनको, अभी बुलाता हूँ उनको, या तीसरा डॉक्टर, ये तीन या चौथा एक और है प्रीस्ट, चार जो ये पुराने जगत के बड़े भयंकर लोग हैं जो जाने नहीं देते हमको भगवान के पास, ये चारों हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. वकील कोर्ट में केस कर देगा, पुलिस वाला संरक्षण दे देगा, और डॉक्टर बोलेगा मैं बचाऊंगा तुमको, और जो चौथा है प्रीस्ट वो तो बोलेगा मेरे बिना भगवान के पास जा नहीं सकते, 7:30 चल रही है, ये अनुष्ठान करो, मेरे बच्चे को भी तो पढ़ाई करनी है. वो बोलता नहीं है, ये कहता है मुझे भी तो टीवी खरीदना है अपने घर में, तो उसके लिए ये अनुष्ठान कीजिए, इतना आप दक्षिणा दीजिए, जितना दक्षिणा दोगे उतना ग्रह प्रसन्न होगा. तो अब उसमें आदमी बंधा रहता है. लेकिन जब एक दिन आता है, कहता बहुत हो गया ये सब, लेट मी डायल नंबर 111. वन माने भगवान, तू ही डॉक्टर है, दूसरा वन तू ही पुलिस वाला है, तीसरा वन तू ही वकील है हमारा, हम तो जीत नहीं सकते इस संसार के मुकदमे में, और चौथा सुप्रीम वन तू ही हमारा प्रीस्ट भी है, तू द्वार खोलेगा तो खुल जाएगा. तब एक द्वार खुलता है, तब हमको लगता है ये सारा पेन वास्तव में उधर ले जाने के लिए था, हम गलत जगह दरवाजा खटखटा रहे थे. यहाँ देखिए क्या लाइन है, हुज स्वीटनेस जस्टिफाइड लाइफ्स ब्लाइंडेस्ट पेन.
ऑल नेचर्स स्ट्रगल वॉज इट्स ईजी प्राइज. इसका एक सिंपल उदाहरण हम लोग रोज देखते हैं. देखिए गुलाब का आप डाल देते ना नीचे बीज, और फिर धीरे धीरे कितना स्ट्रगल करता. हम लोग कभी ऐसे देखते नहीं, हम लोग तो एंड प्रोडक्ट देखते हैं. आप सोचिए कितना वो लड़ता होगा अपने आप से, थोड़े प्रकाश मिल जाए, थोड़ा प्रकाश मिल जाए, दम घुटता होगा उसका. कभी किसी को लिखना चाहिए एक बीज की आत्मकथा, तो उससे मनुष्य की आत्मकथा आ जाएगी. और फिर अल्टीमेटली वो निकलता है बाहर, तो कहता होगा आह बहुत अच्छा हुआ, जैसे हम लोग ना आ माता जी मिल गई. लेकिन स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुई है. उसके बाद उसका दूसरा फेज शुरू होता है, बढ़ता है. पहले कांटे निकल आते हैं, तो कहता होगा ये क्या, मुझे इसके लिए बनाया तुमने, कांटे निकाल दिए. भगवान को पता है कि कांटे नहीं निकलेंगे तो पहले ही इसको गाय गोरू खा जाएंगे, तो ठीक निकालता है, उसको पता है. फिर धीरे धीरे एक लंबी यात्रा के बाद उसमें एक हल्की सी कली, वो भी पता नहीं, कहता हाँ कुछ है, मालूम नहीं कैसा है. और फिर उसके बाद वो फूल खिलता है. जब फूल खिलता है तो क्या होता है, वो सारी जर्नी हम लोग भूल जाते हैं. जैसे आश्रम जाते हैं लोग, तूफान आया, ये आया, बहुत कष्ट लेके भी जाते हैं. ऐसे ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं कि पैसा कहीं से उठाया चले आए आश्रम में, ऐसे भी लोग हैं जो चले आए, कैसे कैसे कष्ट लेके चले आए. फिर समाधि पर जाते हैं, सिर टेक के रो लेते हैं अपनी पूरी तकलीफ, भी कहते हैं यस इट वॉज वर्थ इट, है ना. तो यहाँ वही भाव है कि नेचर का सारा जो पेन है वहाँ पहुँच कर जस्टिफाइड होता है. ऑल नेचर स्ट्रगल वॉज इट्स ईजी प्राइस. जब एक बार समाधि पर दर्शन हो जाता है तो कोई कहता है बहुत कष्ट हुआ आने के बाद, कष्ट हुआ वो हो गया, बैकग्राउंड में चला गया, अब आ गए, इट्स ओके, इट वॉज वर्थ इट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी. द यूनिवर्स एंड इट्स एग्नी सीम्ड वर्थ वाइल एज इफ द कोरिक कैलिक्स ऑफ ए फ्लावर. ये वही सिमली आ रही है. एरियल विजिबल ऑन म्यूजिक्स वेव्स a lotus of light petaled ecstasy took shape out of the tremulous heart of things. There was no more the torment under the stars. एक बार परम दृष्टवा, जिसकी गीता में बात होती है, एक बार उनको देख लेता है व्यक्ति, फिर पीड़ा कष्ट शोक सब चले जाते हृदय से, फिर कोई भी चीज पीड़ा नहीं देती. सूरदास ने जब दर्शन किया था तो उनसे राधा माँ कहती हैं कि क्या चाहिए मांग लो, कहता है ये आँखें आप ले लो, अंधा ही बेटर था मैं. अच्छा आँखें नहीं चाहिए, आपको देखने के बाद मैं क्या देखना चाहूँगा, टेक अवे दीज आईज. श्योरबिंदो का डिवोटी होता तो कहता कि गिव मी द आईज दैट आई कैन सी यू एवरीवेयर, पर वो पुराना योग से संबंधित थे तो उन्होंने कहा ये आँखें निकाल लो, आपको देख लिया आप संतोष हो गया, आराम से मैं मर जाऊँगा, बस इतना ही काफ़ी है और कुछ देखने की जरूरत नहीं. देर वॉज नो मोर द टॉर्मेंट अंडर द स्टार्स, द ईविल शेल्टर्ड बिहाइंड नेचर्स मास्क. देर वॉज नो मोर द डार्क प्रिटेंस ऑफ हेट, द क्रूएल रिक्टस ऑन लव्स ऑल्टर्ड फेस. क्या लाइन है, प्रिटेंस ऑफ हेट, हेट घृणा रियल नहीं होती. जब हम किसी को प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम जब ईगो के दायरे में चला जाता है तो घृणा का रूप ले लेता है. जो घृणा करते हैं हम किसी से, वास्तव में वो अंदर में प्रेम छिपा है, वो प्रेम कुछ मांग रहा है, वो ईगो में चला आया, वो मांग पूरी नहीं हो रही है तो घृणा हो गई. तो प्रिटेंस है. अगर उसके पीछे हम जाएं तो वास्तव में प्रेम ही छिपा है. माता जी एक जगह कहती हैं, लव इज इन एवरी हार्ट, बिटरनेस स्वीटनेस इज इन एवरी हार्ट, बिटरनेस इज एन इल्यूजन. तो यहां पर कहते हैं घृणा एक प्रिटेंस है. हेट वॉज द ग्रिप ऑफ ए ड्रेडफुल अमूर स्ट्राइफ. जब प्रेम बहुत इंटेंस होता है, घृणा भी उतनी इंटेंस होती है, क्योंकि डिमांड भी उतनी इंटेंस होती है. ए रूथलेस लव इंटेंट ओनली टू पजेस has here replaced the sweet original God. Who is the sweet original God? Love. यहाँ ईगो के दायरे में I want to possess. और जितना intensity, उतना अधिक reactions, घृणा, despair.
यहां पर लव ने क्या रूप ले लिया है, तुम हमारे हो, वह हमारा है, ये वस्तु हमारी है, ये व्यक्ति हमारा है. तो ये शेरविंद कहते हैं इट इज द डिस्टॉर्शन. ओरिजिनल सेंस क्या है लव का, टू गिव वन सेल्फ. माता जी कहती हैं द ओनली, कहती हैं दे स्पीक ऑफ द राइट्स ऑफ लव, द ओनली राइट ऑफ लव इज टू गिव इट सेल्फ, देने का आनंद. तो यहां पर शेरविंद बता रहे हैं ए रूथलेस लव इंटेंट ओनली टू पजेस हैज हियर रिप्लेस द स्वीट ओरिजिनल गॉड फॉर गेटिंग द विल टू लव दैट गेव इट बर्थ. भगवान क्या है, देते हैं, केवल देते हैं, वास्तव में वो मांगते नहीं हमसे. एक बार किसी ने ये प्रश्न किया था वहां पर, मीराबाई का वो बहुत फेमस टेम्पल भी है नाथ द्वारा, वहाँ पर वो भी है नाथ उस संप्रदाय के लोग, वैष्णव रामानुजाचार्य एटसेट्रा. तो उन्होंने कहा कि भगवान भक्ति क्यों चाहते हैं कि हम लोग उनकी भक्ति करें, भगवान नहीं चाहते. ये तो वो प्यार देते देते अणु के लेवल से हम लोगों को प्यार करते जा रहे. तो एक टाइम आता है कि वो प्यार मनुष्य के अंदर बढ़ते 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 अल्टीमेटली अपने सोर्स की ओर मुड़ जाता है. ये नहीं कि भगवान कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, वो नेचुरल होता है. जैसे बच्चा बचपन से माँ उसको प्यार देती रहती है, बचपन में प्यार नहीं करता है वो डिमांड करता है, डिमांड नहीं पूरा करने से गुस्सा भी करता है, बड़ा होता है एडोलेसेंस में लड़ता झगड़ता भी है, बाद में जब वो 40-50 का होता है कहता मेरी माँ जैसा कोई नहीं. तो क्या है, माँ ने थोड़ी बोला तो मुझे प्यार कर, वो एक नेचुरल टर्निंग है. वो जो प्यार भगवान का है हमारे अंदर, जो भगवान ने ओरिजिनली दिया है, वो देते देते एक टाइम आता है जब वही प्यार अपने सोर्स की ओर मुड़ जाता है, तो उसको भक्ति कहा जाता है. ये भगवान का डिमांड नहीं है, कमांड भी नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है. और उससे क्या होता है, लाभ दोनों तरफ से संबंध जुड़ता है. अगर केवल भगवान की ओर से वो तो देते रहेंगे प्यार, लेकिन हम अगर रिसीव नहीं करेंगे तो अपनी ओर से तो हम उसको दरवाजे बंद कर रहे हैं. कल किसी ने एक प्रश्न किया था कि मुझे लगता है कि आई हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस, मैं भगवान की कृपा से गिर गया हूँ. तो मैंने माता जी का वो वाक्य भेजा. माता जी ने क्या वाक्य दिया है, ग्रेस डज नॉट टर्न फ्रॉम एनी वन, इट इज वी हु टर्न अवे फ्रॉम द ग्रेस. भगवान की कृपा और प्रेम किसी से मुड़ते नहीं कि ये पापी है, ये दुरात्मा है. वो अगर ऐसे सोचने लगेंगे तो किसी का कोई होप नहीं रहेगा, लेकिन हम मुड़ जाते हैं कभी कभी इस विचार से कि भगवान ऐसे होंगे, हम मुड़ जाते हैं, बंद कर देते हैं, भगवान तो हमको पनिश करने योग्य हूं मैं. तो इस तरह करके हम अपने द्वार बंद कर लेते हैं. वास्तव में भगवान नहीं ऐसे सोचता है, उनके लिए तो वही है जो ये है, हमारे लिए ये है और वो है, पर उस चेतना में वही है जो ये बन गया है. तो यहां उसका वर्णन है, the passion to lock itself in and to unite, it would swallow all into one lonely self, devouring the soul that it had made its own. तो ये प्रेम का एक विकृत रूप है जो swallow करके समाप्त करना चाहता है. और इसीलिए प्रेम का जो सबसे primitive form होता है वो है एक करना, नष्ट करके, ना केवल अपना के, possess करके, control करके, finish कर देना कि मेरे जैसे बन जाओ तब मैं मेरा प्यार है. तो वो जो ओरिजिनल विल टू लव है वो ये नहीं है. लोग कहते हैं कि शेरविंद भी एक जगह बताते हैं गॉड्स और टाइटन्स का डिफरेंस, और किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कि माता जी का प्रेम कैसा था, कहते हैं माँ से जो भी आता था, और एक जगह इसमें वो भी है एज इफ ऑफ ए ग्रेट एंड वर्ल्ड, उसको ऐसा लगता था कि वो फ्री हो गया और अपने ही एक उच्चतम सत्ता की ओर जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता था उसको. He is freed and liberated. लेकिन अगर कोई ऐसे beings भी होते हैं जो बाहर से दिव्यता का चोला पहनते हैं, लेकिन वो आपको पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, आप अब उनके अनुयायी बन गए. माँ तो ये भी नहीं बोलती थी, तो उनके अनुयायी बन गए, अब आप उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ देना है, कुछ धन देना है, कुछ ये देना है, कुछ वो देना है. But mother would always liberate. आप अगर कुछ करते हो ये आपकी अपने अंदर भाव जागृत होता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर.